at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अगस्त 1947 इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, मगर इस देश की आज़ादी से पहले इस देश को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आज भारत के ही लोग ये नहीं जानते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। 23 करोड़ साल पहले धरती पर केवल एक ही भूभाग था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद पेंजिया भी दो भागों में बटा, एक भाग को हम लोरेशिया और एक भाग को गोंडवाना के नाम से जानते हैं। और गोंडवाना के टूटने से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, और लोरेशिया के टूटने से नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप का निर्माण हुआ। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण अफ्रीका का एक बड़ा भूभाग टूटकर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। और वह भूभाग एशिया से जाकर टकरा गया और उस भूभाग में बना हमारा भारत। वक्त के साथ साथ भारत तकनीक और विज्ञान में प्रबल होते गया, मगर आज NCERT की किताबें यह कहती है कि हम भारतीयों को विज्ञान अंग्रेजों ने सिखाया है, पर अंग्रेजों के आने से पहले हम गलत विज्ञान और गणित पढ़ा करते थे। इसके जवाब में मैं आगे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मगर अभी बात करते हैं कि भारत की महानता का खंडन कैसे हुआ। बहुत साल पहले मैकॉली नाम के एक अंग्रेज को भारत भेजा गया। मैकॉली ने अपनी रिपोर्ट में लिखा थी, मैंने भारत के अनेकों स्थान का भ्रमण किया, मगर मुझे भारत में कहीं भी गरीबी नहीं दिखाई दी। अगर हमें भारत को पूरी तरह गुलाम बनाना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति और यहाँ की संस्कृति को बदलना होगा, और इसके बाद हमारे पुराने संस्कृति में बदलाव शुरू हो गया। इन घटनाओं को बेहतर तरीके से जानने के लिए आप राजीव दीक्षित के वीडियो ज़रूर देखें। हमारे संस्कृति में बदलाव के कारण हम पर गुलामी की जंजीर और भी जकड़ गई।